तो हेलो थ्री डी लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप ब्लेंडर में कैमरा कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उसे एनिमेट कैसे कर सकते हैं। एंड ये ट्यूटोरियल होने वाला है उन बंदों के लिए जिनको ब्लेंडर यूज करना नहीं आता, जो ब्लेंडर में न्यू है। एंड अगर आपको पता है कि कैमरा कैसे ऐड करते हैं ब्लेंडर में एंड उसमें की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरा ऐड कैसे करते हैं। तो कैमरा ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है शिफ्ट ए। जैसे आप शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की ये छोटा सा एक विंडो आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैमरे का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैमरा ऐड हो जाता है, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा आ गया। एंड अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेम वही मेन्यू आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी आपको कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप कैमरे के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप अपने कैमरे को ओपन कैसे कर सकते हो। तो कैमरे को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर नंबर पैड है उसके ऊपर जो जीरो वाला बटन है, सिंपल आपको वो प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप शॉर्टकट फिर यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर राइट साइड में आपको ये कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। एंड अगर आपको कैमरे को क्लोज करना है तो आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो क्लोज हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कि अगर मुझे कैमरे को अपने व्यू के साथ स्नैप करवाना है तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड ऑल्ट वाला बटन होल्ड करके रखना है। एंड नंबर पैड के ऊपर जो जीरो वाला बटन है, सिंपल आपको वो प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है आपके व्यू के साथ स्नैप हो जाएगा। एंड अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलाइन व्यू का, इसके ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है स्नैप हो जाएगा आपके व्यू के साथ। तो अब बात करते हैं आप कैमरे को ओपन करके आगे पीछे मूव कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका कैमरा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन ओपन कर लेना है। एंड अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जी प्रेस करोगे ना तो इससे आप अपने कैमरे को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। एंड अगर आपको आगे पीछे मूव करना है तो आपको जी प्रेस करना है एंड जी प्रेस कर देना है दो बार, तो यहाँ पर आप आगे पीछे इस तरह मूव कर पाओगे। एंड अगर आप अपने कैमरे को रोटेट करना चाहते हो तो सिंपल आपको आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आप अपने कैमरे को इस तरह रोटेट कर सकते हो लाइक कुछ इस तरह। एंड अगर आप दो बार आर प्रेस कर दोगे तो आप अपने कैमरे को कुछ इस तरह आगे पीछे रोटेट कर सकते हो। एंड अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है इसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। एंड अगर आप राइट क्लिक करोगे तो जो कैमरा है वहीं पर चला जाएगा जहां पर वो पहले था। एंड अगर आप अपने कैमरे को पीसी गेम की तरह कंट्रोल करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी काफी इजी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है नेविगेशन के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है वॉक नेविगेशन के ऊपर। तो जैसे आप वॉक नेविगेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके माउस का कर्सर है वो हाइड हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पर अपने माउस को आगे पीछे मूव करता हूँ तो यहाँ पर मैं गेम की तरह जो मेरा कैमरा है इसे आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। एंड WASD से मैं यहाँ पर आगे पीछे जा सकता हूँ। एंड अगर आप WASD प्रेस कर रहे हैं एंड आपके कैमरे की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा आ रही है लाइक कुछ इस तरह, तो आपको क्या करना है, जो आपके माउस के ऊपर स्क्रॉल व्हील है उसको आगे पीछे मूव करना है, तो आपकी जो कैमरे की सेंसिटिविटी होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। एंड अगर कैमरे को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है ई, इसे आपका जो कैमरा है वो ऊपर जाएगा। एंड अगर आप क्यू प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो आपका कैमरा है वो कुछ इस तरह नीचे आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं कि आप अपने कैमरे में की फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटो की फ्रेम का, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद जो भी आप स्टार्टिंग फ्रेम रखना चाहते हैं आपको वहां पे आ जाना है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम 1 रख लिया है। एंड जो आपके कैमरे का एंगल है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह सेट कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है, जो आपका एंड फ्रेम है आपको वहां पे चले जाना है। एंड देन आपको क्या करना है, जो आपका कैमरा है उसको आपको इस तरह मूव कर लेना है। एंड यहाँ पर जो आपका कैमरा है उसमें की फ्रेम ऐड हो जाएंगे। एंड अगर मैं भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह बन चुका है। तो इस तरह आप अपने कैमरे में की फ्रेम ऐड कर सकते हो। एंड जो आपके की फ्रेम है टाइमलाइन में शो नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके की फ्रेम शो नहीं होते तो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और शेयर कर दे अगर अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलूंगा ऐसी और न्यू वीडियो में। तो बाय थ्री डी लवर्स।